हेलो नमस्कार साथियों, मैं वरुण शर्मा, साथ में खेमिंदर सर, आप सभी का दिल खोलकर स्वागत करते हैं। क्या आप भी बनना चाहते हैं सरकारी इंजीनियर? यदि हाँ तो ये वीडियो आपके लिए। खेमिंदर सर क्या कहेंगे? जी हाँ सर, एसएससी जेई का एग्जामिनेशन आने वाला है और अंतिम चरणों में उसकी तैयारी बच्चों की पहुंचने वाली है, तो बच्चों का क्या माइंडसेट होना चाहिए, बच्चों किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या प्रीवियस ईयर का पेपर एनालिसिस है, इन सभी मुद्दों के ऊपर इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों के लिए। एब्सोल्युटली सर ने जो बोला कि लास्ट ईयर के जो एनालिसिस रहे पेपर के, वो कंप्लीट एनालिसिस वीडियो में किया जाएगा और 90 दिनों का समय बचा है। साथियों अधिकतर स्टूडेंट्स का घबराना है कि सर पता नहीं कैसे होगा, मैंने पढ़ाई नहीं करी, मेरी प्रैक्टिस कम है, तो ये वीडियो आपके लिए। तो गाइस बहुत ध्यान से देखना और अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आपके लिए कुछ सरप्राइज भी है यहां पर। जी सर, तो सर आगे बात कर लेते हैं एक बार। यहां पर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन सर बता दीजिए बच्चों को। सर जनरल इन्फॉर्मेशन है, ज्यादातर बच्चों को ये बात पता भी होगी कि एसएससी जेई का एग्जामिनेशन का एडवर्टाइजमेंट 26 जुलाई को आने वाला है। ये डेट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन है और करीब करीब 20 दिन का समय बच्चे को मिलने वाला है इस फॉर्म को पूरा भरने के लिए। 16 अगस्त तक बच्चा लास्ट डेट है फॉर्म को फिल करने की। Absolutely. और एग्जामिनेशन सर, एग्जामिनेशन अक्टूबर में ऑलरेडी कैलेंडर आ चुका है, एग्जामिनेशन इस डेट्स के हिसाब से बच्चों को अपनी तैयारी करनी है। एब्सोल्युटली साथी सर ने जैसा बोला कि एडवर्टाइजमेंट का जो डेट 26 जुलाई को है, तब भी हम आपके लिए कुछ सरप्राइज लेकर आएंगे। एक सवाल मेरा सर से यहां पर है, क्योंकि लास्ट ईयर सर मैंने एक चीज फील करी थी कि जो जैसे कि यहां पे लिखा है सर एंड डेट जो रजिस्ट्रेशन का है, तब बच्चों को बड़े इशू हुए थे कि सर मेरा फॉर्म फिल हो जाएगा, मेरे से ये गलती होगी, मेरी फोटो गलत लग गई, मेरा ये हो गया। सर उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर उसके बारे में हमने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बच्चों को बता रखे हैं, और जैसे ये फॉर्म निकलेगा इन सभी की जानकारी बच्चों को वीडियोस के माध्यम से हम लोग ऑलरेडी बच्चों को प्रोवाइड करवाएंगे यहाँ पर। एब्सोल्युटली मतलब आपको लेट नहीं करना है, जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाए दोस्तों, मेरा ये मानना है कि आपको देर ना करके तैयारी में लग जाना है। और आपको जैसे अर्जुन को दिखता था ना सर वो मछली की आंख दिखती थी, तो मेरा है कि दोस्तों आपको भी ये डेट दिखनी चाहिए कि भाई अक्टूबर में मुझे एसएससी जेई प्रीलिम्स का पेपर क्वालिफाई कर लेना है। आगे कर लेते हैं सर बात इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस की बात क्या करेंगे। देखिए हम लोगों ने आपके लिए क्या किया है, लास्ट थ्री पेपर। जी हां साथियों, लास्ट थ्री मतलब जो 2019 2020 2022 को उठाया है पेपर का एनालिसिस हम लोग आपको लेकर आए हैं कि जो भी सिविल इंजीनियरिंग के आपके सब्जेक्ट्स, जैसा स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, सोम टॉस हो गया, आरसीसी स्टील, बीएमसी एंड सोन, तो कुछ इस तरीके से क्लासिफाई किया है ताकि आपको पता लगे कि मेरे को तैयारी किस प्रकार कर लेनी है। जानकारी बहुत जरूरी होती है, बच्चे को ये चीज पता होना चाहिए कि कितना पढ़ना है, किस सब्जेक्ट में पढ़ना है। किसी ऐसे सब्जेक्ट में ज्यादा समय नहीं लगाना है जो सब्जेक्ट एग्जाम में आ ही नहीं रहा। तभी सर हम लोगों ने लास्ट थ्री पेपर का एनालिसिस लिया है। एक्चुअली सर सबको पता है कि सिविल की बात करो 2019 में 5 सेट हुए थे, यहाँ पे 2 सेट हुए थे, यहाँ पे 4 सेट हुए थे साथियों। तो हमने एक एवरेज लिया है, एवरेज मतलब सारे पेपर का मिला के एक प्रतिशत आपके सामने लेकर आए ताकि आपको पता लग जाए कि कौन सा सब्जेक्ट, मतलब सर अगर देखा जाए तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि भाई 15 साल पहले क्या आया था। हाँ। मैं ये देखूंगा भाई लास्ट क्या आया है, तीन ईयर के ट्रेंड क्या चल रहा है। ट्रेंड इज इंपॉर्टेंट, मैं ये नहीं 15 साल पहले तो वो इंपॉर्टेंट था, नहीं नहीं नहीं, ट्रेंड क्या चल रहा है, ट्रेंड के मुताबिक चलोगे तो जंग जीत लोगे। और मैं यहां देख रहा हूं अगर जंग जीतने की बात चल रही है तो आप देखो अलग ही नजर जा रही है मेरी बीएमसी पर, अलग ही नजर जा रही है बीएमसी पर। दोस्तों हमेशा हर वीडियो में हम लोग कहते हैं कि बिल्डिंग मटेरियल बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको मिस नहीं करना है। साथ के साथ एस्टीमेशन, मतलब बीएमसी एस्टीमेशन तो कहते हैं ना सिविल की एक कहते हैं फाउंडेशन, एक मतलब फाउंडेशन रीढ़ की हड्डी है, इसको तो आप भूल ही नहीं सकते अगर देखा जाए तो। और भी सब्जेक्ट यहां पर आप देख रहे हैं, एनवायरमेंट हो गया, सॉइल हो गया, हाइड्रोलिक्स मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स, मशीनरी सब कुछ यहां पर आ गया, ट्रांसपोर्टेशन, सर्विंग। सर मैं ही देख रहा हूं कि सिविल इंजीनियरिंग में सर्वे भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, रीसेंट ट्रेंड्स देख रहे हो सर कि बहुत पूछा जा रहा है यहां पर। तो साथियों आपको उसी अकॉर्डिंग पढ़ना है यहां पर सिविल इंजीनियरिंग में, चाहे बीएमसी हो जाए, चाहे एस्टिमेशन हो जाए, हाइड्रोलिक्स हो जाए, सर्वेइंग हो जाए, दीज आर मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। और भी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है यहां पर देख रहे हैं, आरसीसी अगेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। एक ओवरऑल एनालिसिस हम आपके सामने लेकर आए हैं ताकि आपको पता लगे कि मुझे किन सब्जेक्ट्स पर अच्छे से फोकस कर लेना है। आखिरी 3 मंथ्स मेरे पास बचे हैं, जब मैं तैयारी कर रहा हूं, मॉक टेस्ट दे रहा हूं, प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो इन सब्जेक्ट्स को मुझे बिल्कुल माइंड में रखना है कि ये सब्जेक्ट तो मैं कभी भी नहीं छोड़ सकता। बिल्कुल सर, क्या कहते हैं सर, इंपॉर्टेंट है सर। मैं एक और बात बता दूं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की भी इसी तरीके का एनालिसिस आने वाला है। बिल्कुल। एक और इंपॉर्टेंट चीज सर, कि सर बच्चा सोचेगा सर ये 10.20 क्या है। देखो अगर 5 पेपर है उन 5 का एवरेज हमने यहां पे निकाला है 2019 के पेपर में, इसी तरीके से 2020 और 2022 इसके पेपर में, जैसा कि मैंने कहा था कि यहाँ 5 सेट हुए थे, यहाँ 2 सेट, यहाँ 4 सेट, उनका एवरेज लिया गया, उनका एवरेज लिया गया, ये बात आपको कंफर्म है। मोटा मोटा सर मुझे तो ये दिख रहा है यहाँ पर अगर देखूं मैं एज ए स्टूडेंट कि भैया 14.60 मतलब दैट इज अ बिग नंबर, यानी ये सब्जेक्ट भी बिग है अपने आप में।
मतलब वेटेज वाइज इसको मैं मिस नहीं कर सकता। लाइकवाइज अगर बात करें साथियों यहाँ पर मैकेनिकल की अगर बात करें साथियों, आप देखते हैं और हमेशा मैं हर लेक्चर में एक बात कहता हूँ कि फ्लूइड मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स विद एप्लीकेशन, ये आप नींद में भी भूल मत जाना। मतलब इसको तो आपको पढ़ के जानना ही है, पूरा का पूरा आपका फ्लूइड मैकेनिक्स वाला पार्ट हो गया, कंप्लीट थर्मल डायनेमिक्स। और आप देख भी रहे हैं सामने यहाँ पर 19, 20, 22 मेरी नजर जो जा रही है, आप देखो खुद क्लियरली नजर जा रही है गाइस, ये अपने आप में दैट्स अ बिग नंबर, अपने आप में दैट्स अ बिग नंबर। आप देख रहे हैं यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स, पावर प्लांट, RAC, IC इंजन, फ्लूइड मैकेनिक्स, मतलब इनको तो आपको मिस नहीं करना है, ये तो मतलब घोटना है, आपको अच्छे से घोट लेना है, क्योंकि आपको पता है समय बहुत कम है, 90 डेज है। फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सब्जेक्ट नहीं पढ़ने, मैकेनिक्स नहीं पढ़ना, सोम नहीं पढ़ना, टोम नहीं पढ़ना, पढ़ना है पर ये बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। तो एनालिसिस आप देख रहे हैं पूरा, अगेन जैसा देखा जाए परसेंटेज वाइज एनालिसिस है, लास्ट 3 इयर्स के जो पेपर्स हुए हैं रिसेंटली उनका ट्रेंड क्या कह रहा है, ट्रेंड ये कह रहा है कि अगर मैं मैकेनिकल का स्टूडेंट हूं तो मैं फ्लूइड मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स विद एप्लीकेशन छोड़ नहीं सकता। क्या कहते हैं सर? बिल्कुल सर, ये चीज तो छोड़नी नहीं है, जो कि दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है ये मैं नहीं कह रहा सर, ये पेपर एनालिसिस कह रहा साथियों, मतलब फालतू बात नहीं है, पेपर एनालिसिस की बात चल रही है यहां पर, यानी आपको पता होना चाहिए कि सर अगर मैं पेपर लगा रहा हूं, मेरे मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं और मेरी फ्लूइड मैकेनिक्स कमजोर है, तो मजबूत कर लो बेटा। मजबूत कैसे करनी है वो भी हम बताएंगे, लेकिन बच्चों के पास समय है, बिल्कुल बिल्कुल समय है अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने का, एब्सोल्युटली सर, उसी हिसाब से अपनी पढ़ाई को आगे देखिए। इलेक्ट्रिकल में क्या सिनेरियो सर बताना जरा एक बार। जी सर, इलेक्ट्रिकल में सर सब्जेक्ट सर कम दिखेंगे यहाँ पे एज कम्पेयर टू द अदर ब्रांचेस, लेकिन सब्जेक्ट में कोर नॉलेज बहुत ज्यादा है। जैसे हम बात करें, स्टार्ट करें बेसिक इलेक्ट्रिकल से, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आपका है, काफी अच्छा सब्जेक्ट यहाँ पे वेटेज है, 32% अगर ओवरऑल वेटेज देखें हम लोग। नेक्स्ट सर बात करते हैं जो ज्यादा वेटेज है जहां पर, मशीन एंड पावर सिस्टम। सर कोर है, इसके मुकाबले का कुछ भी नहीं है, अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बेसिकली कोर मशीन और पावर सिस्टम ही होती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन आपको 8.3% और ये 7% के आसपास आपका मेजरमेंट आपका रहता है। छोटा सा सिलेबस है, ज्यादा लोड नहीं लेना है, फिक्स सब्जेक्ट से ये आपको पढ़ने हैं, उनमें लेंथ बहुत ज्यादा मिल जाएगी क्योंकि मशीन के पार्ट्स बहुत सारे हैं एंड पावर सिस्टम भी काफी लेंथी सब्जेक्ट है, तो वो आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी उन सब में। सर जैसा कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, जो मैं फैकल्टी टीम से बात करता हूँ इलेक्ट्रिकल पर्सन से, वो एक बात कहते हैं तीन सब्जेक्ट पावर सिस्टम, ये तीन सब्जेक्ट जो है अगर आपकी कमांड है इन पर बेहतरीन तरीके से, तो आपका SSC JEE पेपर कोई नहीं छीन सकता। जी सर, क्योंकि यहाँ पे जो ओवरऑल सब्जेक्ट्स है ना कम है SSC JEE में, ओवरऑल इलेक्ट्रिकल कंपैरिजन में, तो ये कम सब्जेक्ट्स में अगर आप ये तीन सब्जेक्ट भी कर जाते हैं तो आपका सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। एक चीज नोटिस करी यहाँ पर, एक फटाफट बच्चों को रिकॉल मार देता हूँ, जो तीन लास्ट 3 इयर्स पेपर का एनालिसिस किया है 19, 20, 22, उसमें मैं देख रहा हूँ कि सिविल में BMC एस्टिमेशन, ट्रांसपोर्टेशन, सर्वे, हाइड्रोलॉजी, दीज आर इंपॉर्टेंट। अगर मैं देख रहा हूँ इलेक्ट्रिकल में तो पावर सिस्टम, मशीन, नेटवर्क इज इंपॉर्टेंट। अगर मैकेनिकल पर्सन की बात करूं तो फ्लूइड मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स विद एप्लीकेशन आर इंपॉर्टेंट। तो एक ओवरऑल दिमाग के बच्चे के बैठेगा कि मुझे किस तरीके से पढ़ाई करनी है और कैसे मैं जंग जीत सकता हूँ। सबसे बड़ा सवाल है सर बच्चों का, सबसे बड़ा सवाल है इतने कम समय में कैसे और कहां से पढ़े, ये बहुत बड़ा सवाल है सर। ये सवाल मैं आज आपसे पूछता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, आप बताइए सर क्या कर सर सकते हैं? बच्चों को इतने कम से पहले तो ये देखना पड़ेगा कितना समय उनके पास है, कितना समय वो अपनी पढ़ाई को दे सकते हैं। एक दिन अब पूरे 24 घंटे होते हैं, उसमें से कितना समय आप डेडिकेटेडली इफेक्टिवली पढ़ना चाहते हैं अपने इस गोल को पूरा करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके बाद उसको पैटर्न बनाना होगा बच्चे को कि यार इतना समय है, इस हिसाब से मुझे पढ़ाई करनी है, इस समय में मुझे हाइड्रोलिक्स ये पढ़ना है, इस समय में मुझे FM पढ़ना है। इससे सर बहुत लंबा प्रोसेस है वैसे तो, लेकिन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि उसको पैटर्नाइज करें अपनी तैयारी को यहाँ पर, जो ये समय हाँ बिल्कुल प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है साथियों आपको, प्रॉपर टेस्ट देने, मॉक टेस्ट हो गया, एक डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन कर लेनी है, या तो आपने कर ली होगी, नहीं करी तो आपको कर लेना चाहिए। जो आप बोल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेस्ट सीरीज का महत्व इतना अधिक होता है, बच्चे को सेल्फ एवलेशन होता है कि यार मैं कितने मार्क्स स्कोर कर पा रहा हूँ और अब कितने और बेहतर करना है। और देखो यार गाइस, अगर आप सोचोगे ना कि समय कम है तो कम लगेगा ऑब्वियसली बात है, आपको ये दिखना अभी तो 90 दिन है, मैं कर दूंगा, मैं कर सकता हूँ, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, ये सोचना है आपको। 90 डेज 3 मंथ में तो आप यार क्या से क्या नहीं हो सकता। आपको भी हमने बताया कि मोटा मोटा एनालिसिस तीनों ब्रांच में कि कौन से सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको आपकी रणनीति ऐसे तैयार कर लेनी है, आपको पूरा टाइम टेबल ऐसे बनाना है अपना दिन भर का कि आपकी क्लासेस जहां से भी आप ले रहे हो, जहां से भी टेस्ट दे रहे हो, उसके अलावा जो टाइम आपके पास बचता है उस टाइम को मैं कैसे यूज करूं, मैक्सिमम टाइम कैसे स्टडी करूं। दिमाग में ये नहीं लाना सर, अधिकतर बच्चों के दिमाग में ये रहता है कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है, पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, पेपर
पेपर बिक जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, फालतू बातें नहीं करनी है। पेपर 9, 10, 11 अक्टूबर को है, अब जंग का समय निर्धारित हो चुका है, अब जंग तुम्हें लड़नी है, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, प्रॉपर टेस्ट सीरीज देनी पड़ेगी, अपने आप को समय देना पड़ेगा, एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि अगर सुबह 6 बजे उठ रहा हूँ, रात को 10 बजे सो रहा हूँ, 11 बजे सो रहा हूँ, दिन भर में मैंने कितनी पढ़ाई करी, अगर आज मैंने कम पढ़ाई करी है तो कल मैं उसका मैक्सिमम दूंगा, डबल दूंगा, और मेरे को एक एक दिन बड़े गिन के लेने हैं, एंजॉय करना है, अपने आप को टाइम देना है, ये बहुत जरूरी है। तो गाइज ये वो एक बहुत ऐसा सवाल होता है यार कि कैसे पढ़े, कैसे होगा, अरे आपको पता है कैसे होगा, कोई अलग से बताने वाला नहीं है, आप खुद इतने सेल्फ मोटिवेटेड साथी हो, तो 90 डेज का टाइम, दैट इज सफिशियंट टाइम, डोंट वरी, प्रैक्टिस करो मॉक टेस्ट की, प्रैक्टिस करो प्रॉपर टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस करो जो भी आपने जहां से पढ़ रहे हैं प्रॉपर तरीके से पढ़िए, अपने सब्जेक्ट को एक बार, और सर एक सबसे बड़ा रोल यहां पर बोलूंगा बच्चों को, शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितना इंपॉर्टेंट रोल है सर शॉर्ट नोट्स सर का? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि सर अगर बच्चा अंतिम दिन में पढ़ाई कर रहा है, रिवाइज कर रहा है, तो वो अपनी पूरी की पूरी बुकलेट तो लेकर बैठेगा नहीं, बिल्कुल, बस उसको क्या करना है, पॉइंट्स निर्धारित करने हैं कि किस किस पॉइंट्स को उसको देखना है, उसके लिए शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सर एक और बात मैं इसमें एड ऑन करना चाहूंगा, शॉर्ट नोट्स अगर खुद के हाथ के बने हुए पढ़ रहा है ना बच्चा, उसी का फायदा होता है, क्योंकि दूसरे के हाथ के शॉर्ट नोट्स हो सकता है दूसरे स्टूडेंट को कोई दूसरी चीज डिफिकल्ट लगती हो, उसने उसको लिख दिया हो, तो जो चीज आपको डिफिकल्ट लग रही है उसी हिसाब से आप खुद शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो वो ज्यादा फायदेमंद रहेंगे। एब्सोल्युटली, मतलब कहने की बात ये, चाहे शॉर्ट नोट्स हो, चाहे टेस्ट सीरीज हो, चाहे मॉक टेस्ट हो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, सफलता का यही मूल मंत्र है। तो गाइज ये भूलना नहीं है आपको, 90 डेज है, अभी आपको और वीडियोज मिलेंगे, लास्ट 40 डेज, लास्ट 30 डेज, लास्ट 20 डेज प्रैक्टिस करनी है, किला फतेह आपको करना है, और आप कर लोगे इतना मेरा मानना है। उत्कर्ष आपके लिए क्या कर सकता है, ये बड़ा पॉइंट है सर, बताइए जी सर। तो उत्कर्ष इंजीनियरिंग क्लासेस हमारा जो है ये बच्चों के लिए क्या कर रहा है सर, सबसे पहले तो हमारे SSC JEE के लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैचेस ऑलरेडी चल रहे साथियों, 8 मई से स्टार्ट हो चुके हैं, दैट इज लाइव बैच, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे तैयारी हो चुकी है, फटाफट रिविजन करना चाहते हैं, तो उनके लिए रिकॉर्डेड बैच है, टेक्निकल प्लस नॉन टेक। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कोचिंग कर चुके हैं, रिकॉर्डेड भी पढ़ लिया, लाइव भी पढ़ लिया, नोट्स भी बनवा लिए, अब गुरुदेव आ जाओ प्रैक्टिस करो, तो तीनों वैरायटी, लाइव बैच हो, रिकॉर्डेड बैच हो, व्हाटएवर आपका टेस्ट सीरीज हो, आप ज्वाइन कर सकते हैं गाइस। सारा का सारा आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा तीनों तीनों ब्रांच के लिए। पॉइंट ये है कि पढ़ना आपको है, हम आपको एक मार्गदर्शन दे सकते हैं, पर चलना आपको है। जी सर आगे बात करते हैं, ये क्या लाए हो सर बच्चों के लिए? सर फ्री गिफ्ट फॉर ऑल द उत्कर्ष यूट्यूब स्टूडेंट। सर बच्चे इलेक्ट्रिकल से हो, मैकेनिकल से हो, चाहे सिविल से हो, इन बार कोड को स्कैन करके बच्चा फ्री मॉक टेस्ट दे सकता है, और ना ही सिर्फ मॉक टेस्ट सर, सर और क्या क्या चीजें मिलने वाली है बच्चों को। गाइस मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, ये छोटा सा इनिशिएटिव है हमारा, ऐसा नहीं कि उत्कर्ष की यूट्यूब सबके लिए, जो विद्यार्थी नया है पुराना है सबके लिए, आप किसी ब्रांच से हो तीनों में से, आप देख रहे सामने स्क्रीन पर, टीम को बोलूंगा एक बार शो करते बच्चों को, इन तीनों में से सिविल वाला फर्स्ट वाला, मिडिल वाला इलेक्ट्रिकल, और राइट वाला मैकेनिकल आप स्कैन करेंगे। स्कैन करने पर आप डायरेक्टली कहां जाएंगे, उत्कर्ष ऐप में जाएंगे, वहां पर आपको एक क्या दिखेगा, एक टाइल देखेगी SSC JEE की आपके ब्रांच वाली, वहां पे नीचे लिखा होगा ऐड टू माय लाइब्रेरी, ऐड टू माय लाइब्रेरी पे क्लिक करना, देन उत्कर्ष ऐप में माय लाइब्रेरी में जाना, वहां पे क्लिक करोगे टॉप मोस्ट पे आएगा, वहां पे आएगा फ्री कोर्सेज, तो आपको जैसे ही आप लोग रिस्पेक्टिव ब्रांच में ओपन करते हैं आपको मॉडल पेपर्स मिलेंगे, तो उन मॉडल पेपर को डिजाइन ही इस प्रकार किया गया है जिस प्रकार SSC JEE का पेपर आता है, तो पेपर जैसा आएगा उस तरह का एम्बियंस आपको मिलेगा, वही 200 क्वेश्चन आपके सामने जो आते हैं, 100 आप जानते हैं अच्छे तरीके से, अब अटेम्प्ट कीजिए टेस्ट फॉर्मेट में, अपनी रैंक का एनालिसिस कीजिए, साथ में अगर कभी डीमोटिवेट फील करते उसमें मोटिवेट लेक्चर भी हैं, तो सब कुछ आपको मिलेगा, 10 एक तरह का इनिशिएटिव है, आप एंजॉय कर सकते हैं, कोई इसका प्राइस नहीं है, तीनों ब्रांच के लिए 4 to 5 मॉडल पेपर्स हैं, आप एंजॉय करें, टेक्निकल नॉन टेक क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और वैसे भी आखिरी समय में जहां से भी क्वेश्चन मिले करना चाहिए, अपने आप को इवैल्यूएट करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल आगे बात कर लेते सर, यहां पर कुछ बच्चे हैं जो चाहते हैं कि सर अंतिम समय में सर मैं चाहता हूं कुछ मैराथन मिल जाए, कुछ क्रैश कोर्स टाइप का मिल जाए, तो गाइस उसके लिए कहीं नहीं जाना आपको, यू नो कि फ्री क्लासेस हमारी कहां चल रही है, उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे, आप अच्छे जानते हैं कि आप लोगों के परिवार की, मतलब इतना आपने प्यार दिखाया है, ये आप ही का परिवार है कि बहुत कम समय में इतना बड़ा अचीवमेंट हम लोगों को मिला, रेगुलर क्लासेस चल रही है, आप देख रहे हैं हमारे चैनल पे, पावर सिस्टम हो चाहे स्टील स्ट्रक्चर हो चाहे व्हाटएवर ज्योग्राफी भी हो, जो राजस्थान जी की तैयारी कर रहे हैं, अभी भी हम लोग कुछ नया अनाउंस करने वाले हैं, तो रेगुलर अपडेट के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, और अच्छे जानते हैं मोस्टली, अब तो सब लोग जानते हैं उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस वन ऑफ द फाइनेस्ट चैनल इन यूट्यूब हिस्ट्री। अगर आगे बात करें साथ ही, यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि सर मैं कोर्स परचेज करना चाहता हूँ, थोड़ा
उसकी आप मुझे इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। तो गाइस यहाँ पर लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच है एसएससी जेई 2023 हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के लिए, सिविल मैकेनिक इलेक्ट्रिकल, मात्र 4000 रुपए में। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। रिकॉर्डेड कोर्स भी है, जो बच्चा चाहता है फटाफट स्टडी करे उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। 2500 रुपए बहुत नॉमिनल प्राइस है उसके लिए, आज ही डाउनलोड करें उत्कर्ष ऐप। तो सर ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्सेज है बच्चों के लिए, जैसा आप देख पा रहे हैं। सर ये क्या चीज लाए हो बच्चों? सर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं सर बच्चों के लिए, अगर बच्चा तैयारी करना चाहता है, क्योंकि अंतिम फेज है। कई बच्चों को नहीं पता होगा कि टेस्ट सीरीज किस तरीके से अटेम्प्ट करी जाती है और कितने कितने मार्क्स आपके आने चाहिए। तो यहां पर सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए और मैकेनिकल के लिए, तीनों के लिए आप लोगों की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सर मिल जाएगा। टोटल 35 टेस्ट सर इसमें, टोटल 35 टेस्ट भी है, आपके सब्जेक्ट वाइज भी है, मिक्स सब्जेक्ट भी है। तो गाइस आज ही ज्वाइन कीजिए, और टेस्ट क्योंकि 200 रुपीज वेरी नॉमिनल, आपकी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, जिससे बात कर रहे थे यहाँ पर। 90 डेज है, तो गाइस ये आपको मौका छोड़ना नहीं है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर कोई भी क्वेरी आपकी, तो आप यू कैन विजिट उत्कर्ष इंजीनियर क्लासेस बिल्डिंग, जो कि जयपुर राजधानी में, एड्रेस मेट्रो पिलर नंबर 66, गुजर की थड़ी, गोपालपुरा रोड, जयपुर, राजस्थान। और हेल्पलाइन नंबर भी है सर 9829213213। कोई और जानकारी चाहिए, यू कैन स्कैन दिस कोड, अब स्कैन कर लीजिए, आपके एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, उसको सबमिट कर दीजिए। तो ओवरऑल जो कहानी है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट कहानी यहाँ पर ये है कि 90 डेज बचे हैं, तैयारी करना स्टार्ट कर दो, अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दो, शॉर्ट नोट्स, प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर दो। हम तो आपके साथ हैं, समय समय पर आपके लिए क्रैश कोर्स या मैराथन क्लासेस, प्रैक्टिस बैच लाते रहेंगे, बट प्रिपरेशन आपके हाथ में और आप कर सकते हैं। हम आपको रास्ता दिखाएंगे और आपको भी तैयार रहना है, क्या कहते हैं सर? जी सर, बस अंतिम समय है, बच्चों को लग जाना है। और अगर किसी आप जो सिलेक्टेड बच्चा है उससे पूछेंगे, तो वो कभी भी ये नहीं पता चलता कि उसने किससे स्ट्रेटजी ली, क्योंकि सर हर एक सिलेक्टेड स्टूडेंट की स्ट्रेटजी वो खुद बनाता है। और ये अब तुम्हें इस मोमेंट पे, इस इंस्टेंट पे ये समझ जाना चाहिए कि तुम्हारी स्ट्रेटजी क्या हो सकती है अगले आने वाले 90 दिन में, ताकि तुम इस एग्जाम को क्लियर कर पाओ दोस्तों। बिल्कुल, तो लास्ट में एक बात कहूँगा, कूल रहना, जितना कूल रहोगे उतना अच्छे से एग्जाम दोगे। पॉइंट दिमाग में मत लाना कि कम समय है, कम समय है, ये बोलना समय है, मैं कर सकता हूँ, 90 डेज तो मैं किला फतेह कर दूंगा। तो इसी से हम लोग अंत करते हैं, और रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहिए, और चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।